वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल ग्लैमरस लक्ष्मी एंड मैं हूँ लक्ष्मी। होप आप सब भी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ग्रीन साड़ी हॉल होने वाला है और जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, सारी ही मिंत्रा की हैं और साड़ी की क्वालिटी जो है वो टॉप नोच पे है। क्वालिटी से सारी ही साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। देखिए, ये साड़ियाँ मैं पहले दिखा चुकी हूँ लेकिन अभी मैं ग्रीन साड़ियों का कलेक्शन शेयर कर रही हूँ, तो इसके वजह से जो मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ियाँ हैं वो मैंने आज के हॉल वीडियो में रखी हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के इन तक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को स्क्रॉल कीजिएगा। अगर आपको कुछ पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मैं आपको एक एक करके साड़ी दिखाती हूँ। जो फर्स्ट साड़ी है ना, ये कुछ इस तरीके की ग्रीन कलर की साड़ी है, जॉर्जेट फैब्रिक में है, ऑल अबाउट यू की साड़ी है। कलर इसका बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर प्राइस रेंज की बात करी जाए तो आज के हॉल वीडियो की मिनिमम रेंज की साड़ी 800 समथिंग में है और जो हाईएस्ट रेंज है ये 1700 में है। इसी के बीच में सारी ही साड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट साड़ी कुछ इस तरीके की है, ऐसा बॉर्डर मिलता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा सा बॉर्डर नहीं है एंड लाइट वेट बॉर्डर है। बॉर्डर का क्वालिटी अच्छा है, इस तरीके का नहीं है कि धुलने के बाद ये ख़राब हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ बॉर्डर ऐसे होते हैं जो अगर आप पहनती रहती हैं धुलते धुलते ना बॉर्डर एकदम ख़राब हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसका जो बॉर्डर है तो ये वुवन वर्क में है तो ये खराब नहीं होगा। पतला सा बॉर्डर मिलता है और बीच बीच में बॉर्डर में कहीं कहीं पे ये स्टोन वर्क हो रखा है। ऊपर की साइड में ये कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, ये ऐसा प्रिंट हो रखा है। कलर जो अभी आप लोग देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली सेम कलर यही है। कलर इसका बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड अभी आप लोग क्राउन में देखेंगे तो समझ में आएगा कितनी ज़्यादा प्रिटी सी साड़ी है ये। पौना दो मीटर से ज़्यादा ही है ये वाला बॉर्डर, जो कि आपके बेली पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा। एंड इधर आते हैं, जिधर फ्रंट पीक बनाते हैं तो ऊपर के साइड में तो ऐसा बॉर्डर नहीं है, प्रिंट आपको सेम टू सेम मिलेगा। ऑल ओवर साड़ी है तो ज़्यादा कुछ तो इसमें बताने के लिए है नहीं। नीचे के साइड का जो बॉर्डर है ये कंटिन्यू है एंड इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसमें आपको बॉर्डर पूरी ही साड़ी में मिल जाएगा। जो आपके फर्स्ट ब्रेक में जाता है ना जो पोर्शन, उसमें भी ये वाला बॉर्डर मिलता है और इसी से लगा हुआ ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है। एंड इसमें क्या क्या मैं बताऊँ, अच्छा है, सारा कुछ बहुत अच्छा है। इसके साथ जो ब्लाउज मिलता है ये भी जॉर्जेट फैब्रिक में आता है तो इसका फिट भी अच्छा बैठेगा और आप दिन भर पहन के रखती हैं तो इरिटेट भी नहीं होएंगी। अगर आप न्यूली ब्राइड हैं और ससुराल में पहनने के लिए ये वाली साड़ी लेना चाहती हैं तो भी ट्राई कर सकती हैं, बहुत मस्त लगेगी। सिंपल सोवर साड़ी है, कलर बहुत सुंदर है, पहनने के बाद आपको प्रीमियम लुक भी मिलेगा। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, 375 की है, ऑल अबाउट यू की साड़ी है जो कि दीपिका पादुकोण का ब्रांड है और साड़ी बहुत सुंदर है। आपको थोड़ी सी प्राइजी लग सकती है, 1400 में एकदम सिंपल सी साड़ी है, लेकिन यकीन मानिए जब आप परचेज करेंगी ना तो आपको रिटर्न करने का मन नहीं करेगा, इतना ज़्यादा सुंदर सा इसका कलर और डिज़ाइन है। नेक्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली एकदम हैवी सी साड़ी है, ये वेडिंग अप्रोप्रिएट है। अगर आप ब्राइड हैं तो अपने लिए ले सकती हैं या फिर किसी की वेडिंग अटेंड करना है, कोई फंक्शन है कोई, या फिर तीज वगैरह ये सब दिवाली में पहनना चाहती हैं तो ले सकती हैं। बहुत खूबसूरत सी साड़ी है, कलर इसका बहुत सुंदर है, डिज़ाइन जो बना हुआ है ये सब एकदम अच्छी फिनिशिंग में आता है। ये वाली साड़ी ना सारी मॉल से है आई थिंक, हाँ सारी मॉल की साड़ी है और सारी मॉल, मितेरा, ये कुछ कुछ ब्रांड ऐसे हैं ना जिनकी साड़ियाँ बहुत अच्छी रहती हैं। और अगर आपको कुछ यूनिक अच्छा ट्राई करना है तो अनॉक की भी साड़ियाँ अच्छी रहती हैं, लेकिन उसका क्वालिटी मुझे एक दो में मतलब थोड़ा कम भी अच्छा लगा, क्योंकि जैसे फॉइल प्रिंट दे देते हैं और ख़ास करके एक इंडियन वुमन्स करके ब्रांड है तो उसमें फॉइल प्रिंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो फॉइल प्रिंट थोड़ा सा ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए मैं ऐसी साड़ियाँ इंक्लूड कम करती हूँ जो कि आफ्टर वॉश ख़राब होने का डर रहे या फिर फेड हो जाए, देखने में ना अच्छा लगे, पैसा आपका बर्बाद ना जाए। मैं कुछ ऐसी ही साड़ियाँ अपने वीडियो में इंक्लूड करना चाहती हूँ। किनारे में कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिलता है जिसमें सीक्वेंस का काम हो रखा है और ये कुछ ऐसे टेसल्स मिलते हैं, बहुत ही अच्छे वाले टेसल्स लगे हुए हैं। अगर पल्ले में इस तरीके से भरा भरा सा सीक्वेंस का काम मिलता है, सीक्वेंस एंड धागे का, और फिनिशिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। 2 मीटर से ज़्यादा ही ये वाला बॉर्डर मिलता है, ये जो बॉर्डर है ना ये 2 मीटर से ज़्यादा ही है, आई थिंक 2.5 मीटर के अराउंड ये वाला आपको बॉर्डर मिलता है जो कि आपके बेली पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा और पूरा ही भरा भरा सा ये सीक्वेंस का काम मिलता है।
इतना सुंदर सा इसका ब्लाउज आता है, साड़ी और ब्लाउज का कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। इसके साथ बेल्ट भी मिलती है, जैसा बॉर्डर है ना सेम वैसा ही बेल्ट मिलता है। जिधर फ्रंट पीस बनाते हैं तो इधर में भी पूरे में ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ये भरा भरा सा है। अगर आपकी हाइट 5'5" 5'6" है तो भी आपको छोटी नहीं पड़ेगी साड़ी, एकदम परफेक्ट आएगी ऊंचाई से। और साड़ी 5 मीटर लंबी है, ऊपर में जितना टक करते हैं ना उतने में ये सीक्वेंस वाला काम नहीं मिलता है, जो कि बहुत सही है, नहीं तो पेट में ना ये चुभता है सीक्वेंस। ये वाला सीक्वेंस का काम इतना बढ़िया हो रखा है कि ऐसा नहीं है कि आपको छील दे, क्योंकि कुछ कुछ सीक्वेंस के काम ना इतने ज़्यादा ख़राब रहते हैं कि पहनने के बाद आपको खुजली दे देंगे शरीर में। लेकिन ये वाला बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये काम हो रखा है, भले ही सीक्वेंस का काम है लेकिन बहुत बढ़िया है। लास्ट में इतना सा 1 मीटर फैब्रिक जितना खाली मिलता है, जितना फर्स्ट ब्रेक में जाता है, इसमें ना ही एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और ना ही बॉर्डर मिलता है। कलर जो अभी आप लोग देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम कलर यही है, कलर इसका बहुत सुंदर है। वेट में आपको इसका ब्लाउज भी दिखाती हूँ। इतना सा बेल्ट मिलता है तो अगर आप पतली दुबली हैं तो अच्छा लगेगा, मुझे तो मेरा थोड़ा सा टमी एरिया है इसलिए मैं इसे अवॉइड ही करती हूँ बेल्ट पहनना। तो ये आप अपने स्लीव में डिज़ाइन बनवा सकती हैं, अगर आप एज अ बेल्ट नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं। एंड ये साड़ी थोड़ी सी प्राइजी है, 1700 के रेंज की है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस प्राइस रेंज में आपको लोकल मार्केट में ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो मेरे पे ट्रस्ट करके आप परचेज करके देख सकती हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मिलता है ब्लाउज का फैब्रिक जो कि इस तरीके से है, ये ऐसा एम्ब्रॉयडरी हो रखा है और किनारे में इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, जो कि आप अपने स्लीव में या फिर ब्लाउज के बैक में बनवा सकती हैं। मॉडल ने कट स्लीव का ब्लाउज पहना हुआ था, डीप वीनेक का, इतना सुंदर लग रहा था मैं क्या बताऊँ इस साड़ी के साथ। साड़ी और ब्लाउज का जो कलर कॉम्बिनेशन है ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैंने दूसरे पिंक कलर की ब्लाउज के साथ ट्राई ऑन किया है, आप लोग देख लीजिए कि कैसा लग रहा है। नेक्स्ट साड़ी अगेन ग्रीन कलर की है और बांधनी साड़ी है, विद बॉर्डर आती है। एंड वेट मैं दिखाती हूँ आपको पूरी साड़ी कैसी है। इसके पहले जो मैंने दिखाई थी साड़ी मॉल की थी ना, हाँ। एंड ये वाली साड़ी मितेरा की है, किनारे में कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिलता है। ये सबसे सस्ती साड़ी है आज के हॉल वीडियो की, 800 समथिंग में है, आई थिंक 853 की साड़ी है। ऊपर की साइड का ये जो बॉर्डर है कुछ इस तरीके का है, बॉर्डर में वुवन वर्क हो रखा है। एंड इस तरीके का देखिए प्रिंट का कॉन्सेप्ट है, बांधनी प्रिंट मिलता है, बीच बीच में आपको छोटा छोटा सा फॉइल प्रिंट भी देखने में मिल जाएगा। नीचे के साइड में ये कुछ इस तरीके का चौड़ा सा बॉर्डर मिलता है, थोड़ा सा रेड का टच भी है, तो आप इसे रेड ब्लाउज के साथ भी पहनेंगी तो भी अच्छा लगेगा। बॉर्डर में कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, ये अलग से बॉर्डर लगाया गया है। एंड किनारे किनारे में अगर आप देखेंगी तो गोल्डन फेब्रिक से पाइपिंग भी बनाया गया है। ऊपर के साइड में कमर के पास में ये 2 मीटर जितना ये वाला बॉर्डर मिलता है, 2 मीटर से ज़्यादा ही ये वाला बॉर्डर मिलता है। जिधर फ्रंट प्लीट बनाते हैं ना तो ऊपर में तो सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट मिलता है। ऑल ओवर साड़ी है तो ज़्यादा कुछ तो इसमें बताने के लिए है नहीं, नीचे का जो बॉर्डर है कंटिन्यू है और लास्ट में जितना फर्स्ट ब्रेक में जाता है ना ये इतना सा 1 मीटर जितना फैब्रिक ऐसा खाली छुटा हुआ है जिसमें बॉर्डर नहीं है, इतना सा बाकी का पूरे में बॉर्डर मिलता है, जो कि आपके फर्स्ट ब्रेक में जाएगा जितना पोर्शन खाली है। और इसी से लगा हुआ डार्क ग्रीन कलर का ये ब्लाउज मिलता है, अगर इसके साथ येलो ब्लाउज देता या फिर कोई और रेड दे देता तो शायद और भी सुंदर लगता कंट्रास्ट में, लेकिन ये वाला ब्लाउज भी इतना अच्छा है, क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी है क्या बताऊँ, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में ब्लाउज का फैब्रिक है, एकदम सॉफ्ट एंड चिकना फैब्रिक है, सिल्क ब्लेंड फैब्रिक मिलता है, वुवन वर्क हो रखा है, छोटी छोटी सी बूटी मिलती है, ये इतना सा बॉर्डर मिलता है जो कि आप अपने स्लीव में या फिर बैक में बनवा सकती हैं। इसके अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है, ये साड़ी परचेज कर सकती हैं। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। देखिए बांधनी सीक्वेंस हर तरीके की साड़ी आपको आज के हॉल वीडियो में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट साड़ी जो है ये थोड़ा सा आपको ऐसा कॉटन टच में देखने को मिल जाएगी, लिनन ब्लेंड फैब्रिक है इसका। मैं पूरी साड़ी ओपन करके दिखाती हूँ, अगर ये साड़ी आप ऑफिस वेयर पर्पज से लेना चाहती हैं तो भी ले सकती हैं, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, कलर भी इसका बहुत अच्छा है। ये का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, ऊपर के साइड में जरी वर्क से ये वुवन वर्क मिल जाएगा और नीचे में भी सेम ऐसा जरी का वुवन वर्क है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा ये पैटर्न मिलता है। ये प्रिंट हो रखा है जो कि फैब्रिक में मर्ज है तो निकलेगा नहीं ये,
एंड इसमें जो ऊपर के साइड का बॉर्डर है ना, ये पूरे में मिलता है आपको, और नीचे के साइड का जो बॉर्डर है नीचे में भी आपको सेम टू सेम ऐसा ही बॉर्डर मिलेगा वुवन वर्क में, और एकदम सटल सा गोल्डन कलर है, बहुत ज़्यादा ऐसा तड़कता भड़कता वाला नहीं है, और पूरे में आपको सेम ऐसा ही प्रिंट मिलेगा इस तरीके का, देखिए पूरा लास्ट तक। और इसी से लगा हुआ ब्लाउज का फैब्रिक है जो कि इतना है, ये देखिए ये इतना सा ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है, पूरा 1 मीटर है। अगर आप डबल ट्रिपल एक्सल तक के भी ब्लाउज वेयर करती हैं तो भी आपको इससे ब्लाउज बन जाएगा, और दोनों ही साइड में ये बॉर्डर मिलता है जो कि आपके स्लीव में और बैक में दोनों जगह पे बन जाएगा डिजाइन। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो साड़ी है ना, ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, ऑर्गेंजा फैब्रिक में साड़ी है, एंड फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा है, ऑर्गेंजा फैब्रिक है इसका, लेकिन इस तरीके का नहीं है कि जल्दी से प्लीट्स के ना बने, प्लीट्स आसानी से बन जाएंगे, थोड़ा आपको एफर्ट देना होगा। अगर आप न्यूली ब्राइड हैं तो भी ये साड़ी अपने लिए ट्राई कर सकती हैं, बहुत सुंदर लगेगी। यहाँ तक कि अगर आप जैसे ओकेजन में पहनना चाहती हैं, न्यूली ब्राइड है, कथा, पूजा, दुदुरिया, इन सब में, तो भी बहुत सुंदर ऑप्शन है, बहुत बढ़िया है। थोड़ी सी आई थिंक प्राइसी है, ऐसे 1500 के रेंज की आई थिंक साड़ी है, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, टॉप नोच क्वालिटी है इसकी। ये वाली साड़ी भी सारी मॉल की है, और अगर आप ध्यान से इसके टेसल्स देखती हैं ना, तो टेसल्स इसके बहुत सुंदर हैं, फैब्रिक से ये टेसल्स बनाए गए हैं जो कि ना ही निकलेंगे और ना ही खराब होंगे, ये टेसल्स बहुत ही सुंदर सा ये कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत प्यारा लग रहा है। एंड बैक साइड से अलग से फैब्रिक लगा के ये ऐसा पाइपिंग बनाया गया है, थोड़ा सा ना ही ये पिंक में है, मरून के शेड में है, अभी आप ब्लाउज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरीके का ऐसा लहरिया पैटर्न मिलता है, ऊपर के साइड में ऐसा बॉर्डर है जो कि वुवन वर्क हो रखा है, और नीचे के साइड में भी कुछ इस तरीके का वुवन वर्क का कॉन्सेप्ट मिलता है, ये ऐसा सारी मॉल की साड़ी है, ये वुवन वर्क हो रखा है। और मैं साड़ी में बताऊँ तो ये देखिए बीच बीच में ये छोटा छोटा सा आपको प्रिंट देखने को मिल जाएगा, जो कि इस तरीके का है कि निकलेगा नहीं जल्दी से, ये साड़ी में ही मर्ज है, थोड़ा सा गोल्डन सिमरी सिमरी ये प्रिंट मिलता है। जितना हम लोग पल्ले के लिए पाइपिंग वाला कॉन्सेप्ट आपके बेली पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा, 2 मीटर से बहुत ज़्यादा है, 2.5 मीटर के आसपास ये वाला मिलता है पैटर्न। एंड इधर आते हैं जिधर फ्रंट प्लीट बनाते हैं ना, तो इधर में ये वाला ऊपर के साइड में तो है नहीं, और नीचे के साइड में ना ये देखिए पूरी ही साड़ी में आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो ज़्यादा कुछ तो बताने के लिए इसमें है नहीं, ऑल ओवर साड़ी है ये। इसमें आपको और भी कई सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ग्रे कलर भी है तो ग्रे कलर भी ट्राई कर सकती हैं, वो भी बहुत सुंदर है। ये ग्रीन मेरा अच्छा लग रहा था तो मैंने ये वाला कलर भी किया है, और ये कलर भी बहुत सुंदर है। नीचे के साइड का ये जो बॉर्डर है कंटिन्यू है इस तरीके से, एंड लास्ट तक पूरे में ये वाला बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई पोर्शन खाली छुटा हुआ हो, पूरे में बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है, और पूरे में ये पाइपिंग लगा हुआ है शुरू से लेके लास्ट तक। देखिए मिंत्रा की साड़ियाँ थोड़ी सी प्राइजी हो सकती हैं, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। जैसे कि ये कमर वाला बॉर्डर हो गया, आपके बेली पॉइंट से स्टार्ट होगा, एंड सेकेंड थिंग कि नीचे वाला जो बॉर्डर है वो पूरे में मिल रहा है, जितना आप पे कर रही हैं ना उसके अकॉर्डिंग साड़ी बहुत अच्छी है। एंड इसी से लगा हुआ ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है, जो कि कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में ब्लाउज का कपड़ा मिलता है। देखिए स्लीव की जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है बहुत ही सुंदर सी, इतनी लंबी सी एम्ब्रॉयडरी मिलती है, तो आप इसे क्वार्टर स्लीव तक का भी ब्लाउज बनवा सकती हैं, फैब्रिक एकदम पर्याप्त है इसका। एंड फ्रंट एंड बैक की बात करी जाए एम्ब्रॉयडरी की, तो ये मिलती है फ्रंट के लिए कुछ इस तरीके की, ऐसी एम्ब्रॉयडरी मिलती है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा ना कि ये पिंक का एकदम डार्क शेड है, तो अभी जो देख रहे हैं ना आप लोग, कलर तो एग्जैक्टली सेम यही है जो आपको कैमरे पे दिख रहा है। फ्रंट में ही कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिलती है, एंड बैक साइड में ही कुछ ऐसी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस तरीके की। नेक का डिटेलिंग देखिए, बैक वाला जो है ये डीप मिलता है, एंड फ्रंट में जो है ये थोड़ा सा छोटा सा नेक मिलता है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया मिलती है। ये देखिए एम्ब्रॉयडरी बहुत बढ़िया फिनिशिंग में हो रखा है। फ्रंट में ये जैसे इधर पल्ला ले लेते हैं ना, तो इस साइड में ये वाला एम्ब्रॉयडरी नहीं है भारी वाला, एंड एक साइड में ये ऐसा भारी सा एम्ब्रॉयडरी मिलता है। ब्लाउज एंड साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है, इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो उस पर भी आप जा सकती हैं। मैं आपको आज के हॉल वीडियो की नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी भी बहुत ही सुंदर सी है, एंड एकदम सिंपल सोवर साड़ी है, और इसका ब्लाउज भी बहुत सुंदर है, साड़ी भी उतनी ही सुंदर है। वेट मैं आपको दिखाती हूँ। जॉर्जेट का फैब्रिक मिलता है, आई थिंक सारी ही साड़ियों का मैंने बताया है कौन से फैब्रिक में कौन सी साड़ी है, हाँ बताया तो है। ये वाली साड़ी जॉर्जेट फैब्रिक में है, किनारे में कुछ इस तरीके का मरून कलर्स का अंदर से फैब्रिक लगा के पाइपिंग बनाया गया है, एंड इसके भी टेसल्स देखिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आते हैं, फैब्रिक से ये टेसल्स बना हुआ है। के साइड में भी सेम ऐसा ही ये बॉर्डर का कॉन्सेप्ट मिलता है, एकदम पतला सा,
और ये जो प्रिंट देख रहे हैं ये साड़ी में ही मर्ज है, तो ऐसा नहीं है कुछ निकलने का या फिर वुमेन वर्क का, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो प्रिंट देख रहे हैं ना आप लाइनिंग का कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा सिमरी है और बहुत अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगी साड़ी। अगर आप न्यूली ब्राइड हैं तो भी डेली वेयर के लिए ले सकती हैं, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। अगर आपको बहुत ऐसा तड़क भड़क साड़ियाँ पहनना पसंद नहीं है, कुछ सिंपल सोर साड़ी ढूंढ रही हैं तो इस पे जा सकती हैं, बहुत प्यारी लगेगी। इसमें आपको रेड कलर भी मिल जाएगा और भी कुछ कुछ कलर ऑप्शन है, तो आप मिंत्रा पे चेक कर लीजिएगा। 1300 के रेंज की ये वाली साड़ी भी है, 1300 में है। एंड किस ब्रांड की है, आई थिंक सारी मॉल की ही साड़ी है ये वाली भी, ये वाली साड़ी भी सारी मॉल की ही है। पूरी ही साड़ी आपको ऐसे बांधनी प्रिंट में मिलेगी, प्रिंट इसका बहुत सुंदर है, एकदम सिंपल सोर साड़ी है। अगर आप एक बार परचेज करती हैं ना, भले ही आपको लग रहा होगा कि आपको 1300 ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसके फैब्रिक का क्वालिटी बहुत अच्छा है, प्योर जॉर्जेट मिलता है। एंड इसी से अटैच ब्लाउज के लिए फैब्रिक मिलता है जो कि फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड आता है। स्लीव के लिए ये इतना अच्छा खासा एम्ब्रॉयडरी मिलता है इस तरीके का, दोनों ही स्लीव के लिए विद बॉर्डर आता है, ये इतना इतना सा बॉर्डर मिलता है दोनों ही साइड में, जो कि आप स्लीव में बनवा सकती हैं। मिंत्रा पे ये चीज़ें अच्छी हैं, जितना आप पे करेंगी उसके अकॉर्डिंग आपको साड़ी भी अच्छी मिलेगी, साड़ी या फिर कोई भी चीज़ हो। एंड सेकंड थिंग कि जैसे साड़ी एकदम सिंपल सी है तो ब्लाउज में जान है, एंड साड़ी जो है साड़ी का फैब्रिक बहुत अच्छा है, एकदम अच्छी क्वालिटी में है। जो ब्लाउज़ है ब्लाउज़ के फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा है और पर्याप्त है। अगर आप डबल ट्रिपल एक्सेल तक के ब्लाउज वेयर करती हैं तो भी आपको इसमें ब्लाउज बन जाएगा। फ्रंट में ही कुछ इस तरीके का डिटेलिंग हो रखा है, इधर से जिधर हम लोग पल्ला ले लेते हैं तो एक ही साइड में ये एम्ब्रॉयडरी का कॉन्सेप्ट है फ्रंट नेक के लिए। एंड बैक का भी कॉन्सेप्ट सेम ऐसा ही है, एंड नेक भी एकदम बराबर में ही मिलता है। और इसमें नीचे के साइड में कोई वैसा बॉर्डर नहीं है, बस ये इतनी इतनी सी एम्ब्रॉयडरी मिलती है। देखिए इधर से जैसे ही इतना पोर्शन ढक जाता है तो इधर छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी मिलती है। एंड बैक में भी सेम यही चीज़ है कि एक साइड में छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी मिलती है और एक साइड में इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। एम्ब्रॉयडरी बहुत ही सुंदर। ये था आज की ग्रीन साड़ियों का कलेक्शन, कैसा लगा आपको मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो देखते आ रहे हैं, सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो एक बार चैनल को स्क्रॉल कीजिएगा। अगर कुछ पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड आज के लिए इतना ही। वेट मैं बता देती हूँ कि मैंने जो पहन रखा है ये कहाँ से है। तो ये साड़ी मिंत्रा की है, सारी मॉल की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिटेल में रिव्यू देखना है तो मैं इसका वीडियो आ चुका है, लिंक ड्रॉप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकती हैं डिटेल रिव्यू। एंड आज के कलेक्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी तो परचेज भी कर सकती हैं। मिंत्रा का ब्लाउज भी मिंत्रा का ही है, एल साइज है, मुझे जरा सा लूज है तो आप अपने साइज से एक साइज छोटा लीजिएगा जिससे आपको एकदम परफेक्ट आए। जनरली मैं एल साइज के कपड़े वेयर करती हूँ 38 बस्ट एरिया के, लेकिन ये एल साइज मुझे थोड़ा सा लूज आता है। और जैसे जिनको हाइट की प्रॉब्लम होती है, जैसे जिनकी हाइट 5-6 है तो ब्लाउज छोटा पड़ जाता है, तो इसकी लेंथ इतनी अच्छी खासी है कि छोटा नहीं पड़ेगा। और ये प्लेस भी मिंत्रा का है लेकिन बहुत पहले का है तो इसका लिंक मिलना मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट शॉपिंग हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।